अच्छा मेरे एक कॉल आ गया है, तुम जाके कपड़े देखो, तब तक मैं आता हूँ। अरे भैया चेंजिंग रूम की कुंडी खराब है, बताओ मैं कैसे चेंज करूँ। अब सॉरी मैम, उसके लिए कारपेंटर गांव गया हुआ है किसी काम से। आप एक काम करिए, आप अंदर चेंज कर लीजिए, मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ। चलो ठीक है, आप खड़े हो जाओ। हाँ भाई, मेरी वाइफ आई थी यहाँ पर कपड़े लेने के लिए, कहाँ है वो? सर वो अंदर चेंजिंग रूम में चेंज कर रही है। वो अंदर चेंज कर रही है तो तू यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है? सर वो एक्चुअली क्या हुआ था कि दरवाजे कुंडी खराब हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा चलो मुझे अंदर जाने दे। नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अबे मेरी वाइफ है और तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, क्यों? सर मैं कैसे बिलीव करूँ वो आपकी वाइफ है? सॉरी सर, ये मेरी ड्यूटी है। अबे मैं कह रहा हूँ ना, मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे मूड खराब है मेरा सुबह से। सर आप मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? आप तमीज से ही बात कर सकते हो, मैं अगर सेल्समैन उसका मतलब ये थोड़ी बात की सारी बातें सुनूंगा। बदतमीजी, अभी दिखाता हूँ तुझे मैं कौन हूँ, चल। अरे यहाँ क्या हो रहा है सौरभ, तुम इसे क्यों डांट रहे हो? मैंने इसे कहा था यहाँ पे खड़ा होने के लिए। ये दो कौड़ी का नौकर, इसको मैंने बोला कि मेरी वाइफ अंदर है, मुझे अंदर जाने दे, इसने मुझे जाने नहीं दिया। इसकी ये मजाल, इसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। ये दो कौड़ी का नौकर 8-10 हज़ार रुपए लेता होगा यहाँ पर और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इसको दिखाता हूँ मैं इसकी औकात। इतना छोड़ दो इसको, इसको मैंने ही बोला था यहाँ खड़ा होने के लिए। इनकी चेंजिंग रूम की कुंडी खराब थी और इनका कारपेंटर भी छुट्टियों पे गया है, इसने मैंने इनको बोल दिया था यहाँ खड़ा होने के लिए। तुम भी नहीं थे यहाँ पे, इसने मैंने इनको बोल दिया खड़ा होने के लिए। अरे तो मुझे फोन कर लेती ना, मैं बहुत ज्यादा दूर गया था, कहीं शिमला मनाली चला गया था क्या? मुझे फोन करके बुला लेती, मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, इस अनजान आदमी पे तुमने भरोसा कैसे कर लिया? अरे छोड़ो, छोटी सी बात है। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक लग रही हो। चलो अब, वैसे बहुत देर हो गई है। सॉरी भैया। इट्स ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, वो आप अपना सामान शॉप पे भूल गए थे। अच्छा भैया आपके कितने रुपए का बिन था? मैम 2000 रुपए। ये लीजिए मैम। ठीक है। अरे भैया रुकिए, भैया ये हमारी कंपनी का कार्ड है, हम एक एनजीओ चलाते हैं, तो अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अरे ये इतना ट्रस्टवर्दी कैसे लग गया तुम्हें? अरे सौरभ ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरी सेफ्टी के लिए वहाँ खुद खड़ा रहा और तो और ये तुमसे भी लड़ गया। इससे ये पता लगता है कि औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता है और तुमने इसे खामखा डांट दिया इतना। सौरभ ऐसे लोगों की समाज में बहुत ज़रूरत है जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें इन जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए ताकि और भी लोग इनको देख के सीखें और लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें। और सौरभ मुझे लगता है कि तुम्हें इनसे माफ़ी मांगना चाहिए, तुमने इनके साथ इतनी बदतमीजी की फिर भी इन्होंने हमारा सामान वापस किया हमें। हाँ रूपाली तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कवार, अनपढ़, 8-10 हज़ार रुपये का नौकर, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं ये कैसे बोल गया कि हम लोग खुद एनजीओ चलाते हैं और इस तरह से हम ऐसा करेंगे, इस तरह का व्यवहार रखेंगे दूसरे लोगों के प्रति, तो हमारा एनजीओ कैसे चलेगा? आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी, आगे से मैं कभी भी किसी को गरीब नहीं समझूंगा और ना ही किसी की बेइज्जती करूंगा। तुम जैसे लोग जो समाज में लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं उनको तो हमें और उठाना चाहिए, और उल्टा मैं तुम पे हाथ उठा दिया, सॉरी भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों माफ़ी मांगते हो, आप इतने बड़े लोग, मैं ठहरा मामूली सा एक सेल्समैन, अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की, कोई बड़ा आदमी आता है सुनाकर चला आता है, डांट कर चला आता है। खैर छोड़िए, बाकी सर हम गरीब जरूर हैं मगर पैसों से हैं, दिल से नहीं। साहब हम छोटे लोग ज़रूर हैं, गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन साहब जब हमें कोई कुछ कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर भी दिल है। और आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी मांगने के बजाय अब आगे और लोगों को समझाइएगा कि हम जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना किया करें, आगे से समाज सबका है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि लड़कियों की कैसे इज्जत की जाती है, क्योंकि एक औरत से समाज आगे बढ़ता है। साहब अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आगे 10 लोगों को ये बात जरूर समझाना कि वो लोग औरतों की और गरीबों की इज्जत करना सीखें, क्योंकि इन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है। हाँ भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और 10 क्या पूरे 100 लोगों को ये बात जरूर समझाऊँगा कि औरतों की और गरीबों की इज्जत करें। अच्छा अब हम चलते हैं। हमें हमेशा हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस दुकान वाले लड़के ने
बिल्कुल ठीक किया औरतों की इज्जत करके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।